व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे की हो रही है शाम के बजे हैं 4:30 और मैं अभी रूम से निकला हूँ सारा अपना काम वाम निपटा के साफ़ सफाई करके, क्योंकि एक ही दिन बचता है जिसमें तुम काम वाम कर सकते हो रूम के। अभी मुझे पता चला कि योकोहामा में हो रहा है अक्टूबर फेस्ट और मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि घर में रह के क्या ही करना था। बड़ी मुश्किल से जापान ने ये नए फेस्टिवल करने शुरू किए हैं कोरोना के बाद से, अब जाके फेस्टिवल हो रहे हैं, अब जाके लोग बाहर निकल रहे हैं काफ़ी, अब जाके क्राउड बढ़ रहा है। सो मुझे लगा मुझे भी जाना चाहिए, आप लोगों को दिखाना चाहिए कि क्या क्या है वहाँ पे। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, ट्रेन पकड़ते हैं फटाफट, वहाँ पहुँचते हैं और दिखाता हूँ आपको, ठीक है, सब मिलते हैं वहीं पे। सो एक्चुअली फेस्टिवल ना कोरोना से पहले भी काफ़ी होते थे, बट जब से कोरोना आया तब से गवर्नमेंट ने मतलब ऐसा कर दिया कि फेस्टिवल भी कम हो और लोगों की भीड़ ना हो, इससे कोरोना ना फैले। बट अब जब केसेस थोड़े डाउन जा रहे हैं, इतने भी नहीं जा रहे मतलब थोड़े डाउन जा रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट ने फिर से कहा कि हाँ कर लो, मज़े कर लो, थोड़े बहुत मज़े भी ज़रूरी है, वरना तुम भी कितना काम करोगे। सो अब लोग ज़्यादा जा रहे हैं, क्राउडेड हो रहा है, क्राउड इकट्ठा हो रहा है फेस्टिवल्स में, सो जो कि बढ़िया चीज़ है। सो हम भी चल रहे हैं, सो चलते हैं। अभी अभी अपनी ट्रेन आई है और मुझे ट्रेन पकड़नी ही पड़ेगी, तो फटाफट चलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं। फाइनली पकड़ ली। सो मैं मिडल में बैठा हूँ, मुझे जाना है सबसे आगे। जापान में ट्रेन लेट की होती 34 की ट्रेन 36 में जा रही है, मेरे पे घड़ी नहीं है वरना तुम्हें टाइम दिखाता, 2 मिनट लेट है, ऐसे कैसे। भाई फाइनली पहुंच गया हूँ उस जगह पे, बट मुझे अभी लग रहा है कि ना बहुत रात हो गई, अंधेरा भी काफ़ी हो गया, चारों तरफ तुम देखोगे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा, पर देखो क्या माहौल है भाई साहब, ये देखो मतलब काफ़ी बढ़िया है, ऊपर देखो सही नहीं है मस्त। तो अभी पहले वहाँ चलते हैं फटाफट, वहाँ जाके चेक करते हैं कि क्या सीन है। ओके सो लेट्स गो। तो गाइस तुमने ज़्यादातर वीडियोस में देखा होगा ये वाला व्यू तो पक्का आता है, ये सकुरा गिच्चो का व्यू है और जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, और जहाँ हम जा रहे हैं वो उसी से थोड़ा सा आगे 10 मिनट करीब पैदल चलने के बाद पड़ता है। बट चेक इट आउट दिस व्यू गाइस, मतलब बहुत ही प्यारा लगता है यार, ये देखो, और रात को तो क्या भयंकर गहरा। भाई देखा व्यू तुमने, क्या गजब है ना एकदम मस्त। फिलहाल यहाँ से चलते हैं फटाफट, मुझे लगता है जहाँ तक अगर ख़त्म नहीं हुआ होगा ना, मुझे पता नहीं कैसी वाइब आ रही, मैंने अभी पढ़ा जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो मतलब ऐसा लिखा हुआ था कि 2 अक्टूबर को ख़त्म हो चुका है, बट मुझे ऐसी उम्मीद है कि पता नहीं क्यों ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक और आर्टिकल मैंने पढ़ा था वहाँ पर मिड अक्टूबर तक लिखा था, सो मिड अक्टूबर तो 2 अक्टूबर नहीं होता है, सो इसलिए पहले देख लेते हैं, और नहीं मिला तो यार बहुत गंदा कर जाएगा, बहुत ज़्यादा गंदा कर जाएगा, तो सीधा फटाफट वहीं मिलता हूँ। ओके बाय। तो ये वाला ना वही एरिया जहाँ पे मैंने बताया था कि काफ़ी सारे मेले वगैरह लगते हैं, और क्या बोलते हैं यहाँ पे ही वो वाली वीडियो बनाई थी मैंने जो आइस स्केटिंग वाली नहीं थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी, आइस स्केटिंग करा था योकोहामा के पास, तो यहीं पर वो वीडियो बनाई थी, और इसको रेड ब्रिक्स कहते हैं। ये क्या, ये चेकआउट करो, और ये देखो ये पूरी रेड ब्रिक्स वाली बिल्डिंग्स है, और मुझे अब लग गया है कि अब तो पूरा अच्छे से कट ही गया है भाई साहब, महाकसम ऐसा फील हो रहा है कि कितना गंदा खुद से ही मैंने अपने आप का काट दिया। ये वाला एरिया जो ना यहाँ पे आइस स्केटिंग होती थी और यहाँ पे मेरे ख्याल से वो हो रहा था फेस्टिवल, बट अब नहीं हो रहा है, सो कुछ नहीं कर सकता। मैं सोचता हूँ क्या करूँ अब,
देखता हूँ, कुछ आइडिया आएगा तो बताऊँगा, आगे कंटिन्यू करूँगा, वरना कट तो गया ही वैसे ही। मतलब बहुत गंदी फीलिंग है यार ये, पहली बार मेरा कटा ऐसा। एनीवेज देखते हैं, मैंने ऐसे कभी आया नहीं यहाँ पे और आज पहली बार मतलब बिना किसी फेस्टिवल और किसी वजह से आ रहा हूँ यहाँ। और भयंकर अंधेरा यार, कैसे रह रहे हैं लोग इस इतने भयंकर अंधेरे में, घोर अंधेरा, अंधेरा भयंकर। और मतलब कपल्स के लिए तो इतना बढ़िया हो रखा है यहाँ पे, घुस घुस के बैठे कोने कोने पे, जो भी है यार बढ़िया सीन है। इधर फोटो सेशन चल रहा है, मेरे पीछे फोटो सेशन चल रहा है। अभी मैंने पता किया इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इन्होंने ये चारों ओर लाइट वाले लगा रखे, बढ़िया। पान के स्कूल के बच्चों का सीन समझ नहीं आता यार, ये मतलब रात के 10-10 बजे तक बाहर ही रहते हैं, और पता नहीं मुझे समझ नहीं आता ये घर कब जाते हैं। मेरे को सुबह भी दिखते हैं, चलो हो सकता है किसी के सुबह की शिफ्ट हो, शिफ्ट कह रहा मैं स्कूल हो किसी का शाम को, बट ये रात रात भर दिखते हैं मुझे, 10-10 10:30 बजे तक मुझे ये दिखते रहते हैं बाहर। बाकी सब तो बढ़िया लग रहा है, पर फाइनली मुझे समझ नहीं आ रहा है अब मैं करूँ क्या यार, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसके साथ जाऊँ, मतलब कुछ समस्या नहीं आ रहा है फिलहाल। मुझे लग रही है काफ़ी भूख यार, मुझे पेट में बहुत भयंकर हो रहा है, अब कुछ खा लेना चाहिए। तो पहले खा लेते हैं, बाकी तो देखी जाएगी, वीडियो तो बनती रहेगी, पहले खा लेते हैं कुछ। वो यहाँ से पहले पेट पूजा करते हैं फिर काम धंधा करते हैं। रोपड़ वाला सीन हो गया है क्या? मैं जॉनथन आया था ना तब ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ये रोबोट वोबोट वाला सीन नहीं था, बट अभी ने हमें नया नया लगाया है रोबोट का सीन। ये रोबोट खाना लेके आ रहा है और जो वेट्रेस है वो खाना रख रही है टेबल्स पे, सही है। और मुझे लग रहा है इस कारण से ही इनके प्राइस भी थोड़ा बढ़ गया है, काफ़ी अच्छा है यार। अब अगर ये चीज़ इंडिया में होती ना तो मतलब लोग रोबोट को ही खींच के साथ में बिठाने लग जाते हैं। चलिए नाइस, ये टैब भी मतलब ना ये तो अब काफ़ी पुराना हो गया सिस्टम, ये देखो बड़ा सही है। अब तो ये बहुत साल हो गए, काफ़ी रेस्टोरेंट ने ये रखना शुरू कर दिया है जिससे लेबर कॉस्ट बच जाती है उनकी, मतलब वेटर नहीं रखने पड़ते ऑर्डर लेने के लिए ज़्यादा, इसमें सब कुछ हो जाता है, जैसे साइजीरिया हो गया, जोनाथन हो गया, गस्ट हो गया, ये काफ़ी रेस्टोरेंट है, इन सब ने अब ये टैब भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिया जो कि काफ़ी सही है, काफ़ी कॉस्ट बचा लेता है। मुझे लग रहा है मेरा आ गया है, नहीं आया। फटाफट इसको खाता हूँ, ख़त्म करते हैं और फिर देखता हूँ, देखना क्या है यार। अब तो रात हो गई, मुझे लग जरा कुछ करने लग बचा है, बट बस सो गाइस खाना वगैरह फिनिश हो गया, मैंने खा लिया, पेट भी भर गया और अब टाइम भी ज़्यादा हो गया, कहीं जाने के लिए भी नहीं है, कहाँ जाऊँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, सब चीज़ें बंद हो गई हैं। तो फिलहाल मुझे उदय का मैसेज आया कि रूम पे आ जा, कुछ काम है, सो वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ क्या काम है। एंड हाँ, एक और चीज़, दिवाली आने वाली है, अब मुझे नहीं पता ये वीडियो दिवाली से पहले अपलोड होगी तो हैप्पी दिवाली एडवांस में, और बाद में होगी तो हैप्पी दिवाली बिलेटेड हैप्पी दिवाली। एंड सेकेंड थिंग, लाइक दिवाली नज़दीक है और घर दूर, सो अपन तो मना नहीं सकते, आप लोग मनाइए बढ़िया करके, अगर आप इंडिया में हैं बढ़िया से दिवाली मनाइए, पटाखे फोड़िए यार, लोगों को कहने दीजिए जम के पटाखे फोड़िए, इन्जॉय करिए इन्वायरमेंट, टाइम है तो मजे करो क्योंकि कल का क्या भरोसा, लोगों को कहने दीजिए आप इन्जॉय करते रहिए, दिवाली बार बार नहीं आती है, पटाखे फोड़िए, मजे करिए, खुशियां मनाइए या करिए कुछ ना कुछ करिए।